गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में कुछ हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। तो नए टॉपिक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को TCS सिखाने वाली हूँ। TCS क्या होता है? बेसिकली TCS की बात करें तो TCS कैलकुलेट ऑन द सेल्स ऑफ एल्कोहलिक थिंग्स, मतलब कि जितना भी आपका TCS कटता है वो आपके धूम्रपान के सामान पे कटता है। जितनी भी आपकी एल्कोहलिक चीज़ें होती हैं, जितना भी आपके एसिड्स इस टाइप्स के होते हैं, उन पर आपका क्या बोलते हैं TCS कटता है। होप आप लोगों को TCS समझ आया होगा। तो TCS कैसे हम अपने इसके अंदर डिडक्ट करते हैं वो मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ। टैली के अंदर TCS की एंट्रियाँ कैसे करने वाले हैं हम, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से टैली पर TCS की वीडियोज़ बनाते हैं एंड TCS के बारे में अच्छे से समझते हैं। और आप भी जल्दी से जाइए और अपने PC को ऑन करके अपने PC के अंदर TCS के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करनी है। यहाँ पर अगर आप एक कंपनी क्रिएट करेंगे किसी भी नाम की, यहाँ पर मैंने कर दी जॉन के नाम की कंपनी, कंट्रोल ए करेंगे। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको F11 करना है, F3 प्रेस करना है। F11 और F3 प्रेस करने से आपके इन्वेंट्री जो फीचर्स है वो वैलिड हो जाएंगे। F11, F3 करने के बाद आपको यहाँ पर हम आज TCS कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आपको ये दोनों फंक्शंस को क्या करना है, यस कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर मांगा है, टेक्स्ट डिडक्शन एंड कैलकुलेशन मांगी है। तो आप लोगों के पास अगर 10 नंबर है तो आप वो दे सकते हैं। 10 नंबर क्या होता है? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अगर आपके पास वो टैक्स नंबर प्रोवाइड है तो आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होंगे, एक कंपनी का, एक इंडिविजुअल HUF का। तो आपको कंपनी पे रखना है, इस पे जाना है, इसको यस कर देना है एंड देन ओके। तो आपके ये फीचर्स वैलिड हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ऑफ करना है और क्या करना है, आपको कैलकुलेटर कंपनी पे जाना है, मतलब कि डेट मीन्स आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद अकाउंट इन्फो में लेजर्स बनाने हैं। अब लेजर्स किसके बनाने हैं, जो हम पार्टी है उसके लेजर्स बनाएंगे और जो हमारे पास सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, उसका लेजर। तो सबसे पहले आप सिंगल में जाके यहाँ पे परचेज का लेजर बना देंगे, क्योंकि जितना भी अल्कोहलिक सामान खरीदा गया या बेका गया है किसी ना किसी शॉप से कट लिया हो गया होगा, तो आप यहाँ आकर परचेज का लेजर बना देंगे। परचेज के अंडर आप डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर आकर आपको TCS को यस करना है, इसको डालना है आपको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डालने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी नेम देना है। तो यहाँ पे पार्टी नेम हम दे देते हैं, यहाँ पर पार्टी नेम हम देने वाले हैं आमिर वाइन शॉप के नाम से हमने पार्टी नेम दे दिया। आपने यहाँ पे पार्टी नेम दे दिया, सेंडी क्रेडिटर्स रखा, TCS को आपने यस कर दिया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब क्या करना है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये एक्सेप्ट होने के बाद आपको एक परचेज का लेजर बनाना है। परचेज आपको किस में डालना है, परचेज अकाउंट में डालना है। परचेज अकाउंट में डालने के बाद इसको आपको यस कर देना है। ऐसे ही सेम एक सेल का लेजर बनाना है, सेल को आपको सेल अकाउंट में डालना है। यहाँ पर इसको आके आपको एप्लीकेबल करना है। यहाँ पर न्यू कैटेगरी में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि ये जितना भी है अल्कोहलिक से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स लिखना है, कितना परसेंट कट रहा है। आप यहाँ पे रेट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो कितना परसेंट, यहाँ पर मैं 8% काट रही हूँ ह्यूमन रिसोर्स, इसको यस कर दिया एंड देन एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सेल कर रहा है उसका पार्टी नेम बनाना है। तो यहाँ मैंने सेल के लिए ज्योति बना लिया। ज्योति हमारी क्या है, सन्ड्री डेटर्स है। आप यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स का बना लेंगे। ये होने के बाद आपको इसको यस कर देना है। यहाँ पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स से आएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होने के बाद आपको होल कंपनी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है, एस्केप करना है। अब आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम्स बनाने हैं। तो वो किस में मिलने वाला है, इन्वेंटरी इन्फो में, स्टॉक आइटम्स सिंगल क्रिएट। यहाँ पर अब आइटम्स में क्या क्या है, सबसे पहले मेरे पास मैं जो सेल कर रही हूँ या परचेज कर रही हूँ वो वाइन है। वाइन आपकी ओल्ड सी करके ह्यूमन रिसोर्स के अंडर जाएगी। यहाँ पर आकर आप TCS को यस करेंगे। यहाँ पर आकर ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी ले लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर आकर आपको बॉटल्स डालनी है,
एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आकर आपको एप्लीकेबल रखना है, ह्यूमन रिसोर्स आप भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। वाइन बन गया, अब आपको वोडका लेना है, वोडका ले लेंगे आप। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स सेम बॉटल, यहाँ पर आकर आपको एप्लीकेबल कर देना है, ह्यूमन रिसोर्सेज ले लेना और एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको अकाउंट वाउचर्स पे जाना है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे। सबसे पहले आपको परचेज करना है। परचेज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी शॉर्टकट की दी है आपको, F9। यहाँ पर आकर आप परचेज लेंगे। परचेज के लिए मैंने आमिर वाइन शॉप बनाया था, यहाँ पर आकर कंट्रोल ए कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज लेज़र डाल दिया हमने, सबसे पहले वाइन दी है। वाइन कितने पीसेस बेकी है मैंने, 18 बॉटल्स बेकी है वाइन की। कितने रुपये की एक बेकी है, 350 रुपये की। यहाँ पर आकर आपका वाइन का हो गया। यहाँ पर आते हैं हम वाइन के बाद वोडका। वोडका आपकी कितनी बोटल्स है, 22 बोटल्स है। कितने रुपए की एक है, 450 रुपए की एक है। आपने ये भी डाल दिया एक्सेप्ट। यहाँ पर आके अब क्या आपका TCS नहीं बना था, तो यहाँ पर हम ओल्ड सी करेंगे और TCS का लेज़र बना लेंगे। TCS आपका जाता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाके आप TCS डाल देंगे। TCS को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स में लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। आपका कितनी 99% कट रहा है। अब यहाँ पर आपका 8% कट के नहीं आएगा क्योंकि TCS हमेशा सेल पे कटता है। अब आप F8 करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या है ज्योति शॉप है, कंट्रोल ए करेंगे, सेल में डाल देंगे। क्या है, वाइन्स की बोतल है। वाइन आपकी कितनी बॉटल्स जा रही हैं अब वो देखते हैं। वाइन आपकी 12 बॉटल्स बिक रही हैं। यहाँ पर वाइन आपकी 12 बॉटल बिक रही हैं, कितने रुपए की एक, 400 रुपए की एक के रेट से। नेक्स्ट आपका आता है वोडका। वोडका आपका कितना बिक रहा है, यहाँ पर वोडका की बॉटल्स जो हम बेच रहे हैं, यहाँ पर आपकी 6 बोतलें बिक रही हैं, कितने रुपए के रेट से, 575 रुपए के रेट से। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे हमें करना है। यहाँ पर आकर हम TCS ले लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका TCS कट के आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कि हम TCS की एंट्रीज कैसे करते हैं। नाउ अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ TCS का हम डिस्प्ले पर आंसर कैसे देख सकते हैं। तो चलिए हम TCS का आंसर देखते हैं कैसे देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कट करना है और डिस्प्ले पर जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले पे जाना है और इसके बाद इसमें स्टेच्यू रिपोर्ट होगी येरी। यहाँ पर आकर आपको TCS रिपोर्ट शो हो जाएगी। TCS रिपोर्ट्स में आपको फ्रॉम 27 पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टू चीज़ की आपने मेंबरशिप ली है, मतलब कि जो भी आपने वो किया है वो TCS है। यहाँ पर आकर आप TCS आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और आंसर देख सकते हैं आपका 660 रुपीज़ आपका TCS कट के आया है। तो ह्यूमन रिसोर्स पे आपका कितना TCS कटा है, 660। और यहाँ पर फ्रॉम जो जो क्या है 27 से बिलोंग करता है उसमें आपने टू एंट्री की है, कितना वो हुआ है वो आपको एंट्री शो हुई है। तो होप आप लोगों को TCS समझ में आया होगा अच्छे से। अब आपके जितना भी है टैक्सेस से रिलेटेड क्लासेस चलने वाली है, आपको टैक्स के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कौन सा टैक्स किस टाइप से कटता है। होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा आपको कैसे टैक्स काटना है। अब आप जल्दी से जाइए अपने PC पे करके देखिए एंड आने वाली वीडियो में मैं आपको TDS सिखाने वाली हूँ, TDS कैसे करते हैं और TDS की एंट्रीज कैसे होंगी। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से एक बार कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई कमी लगती है, आपको लगता है कि मैं ज़रा फास्ट चल रही हूँ या स्लो चल रही हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं।